नमस्कार साथी, मैं मुन्ना मुस्कान आप सबों के बीच वर्ग दशम के अध्याय 4 दुघात समीकरण को लेकर उपस्थित हूँ। स्वागत है हमारे आपके YouTube के चैनल पर। तो आज चलिए शुरू करते हैं दुघात समीकरण। सबसे पहले दुघात समीकरण को समझने के लिए बहुपद को समझना अत्यावश्यक है। तो बहुपद किसे कहते हैं? चर और अचर पदों के मेल से बने पद को बहुपद कहते हैं। चर और अचर पदों के मेल से बने पद को बहुपद कहते हैं। चर कौन है? ए बी सी डी चर है, एक्स वाई जेड चर है। यानी कि चर वो है जिनका मान बदलते रहता, वेरिएबल मान को ही हम चर पद कहेंगे। और जिनका मान नहीं बदलता है, जिसका कांस्टेंट वैल्यू हो, तो उसको हम कहते हैं अचर पद। जैसे 1, 2, 3, 4, -3, -2, -1, इनका हर जगह मान एक ही होता है, लेकिन इनका मान बदलते रहता। चर जिनका मान बदलता है, अचर जिनका मान नहीं बदलता। तो चर और अचर, जैसे 5x + 3, तो इसमें 5 अचर है और x चर है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना है? बहुपद। 2x² + 5x + 5, ये दोनों मिलकर क्या बना है? बहुपद। तो इसमें दोनों, ये सारे अगर एग्जाम्पल को देखें तो इनमें आपको एक चीज कॉमन दिखाई देगी, तो दो चीज होना आवश्यक होगा, वो है चर और अचर। तो ये चर और अचर के पदों के मेल से बने पद को बहुपद कहते हैं। तो बहुपद कई प्रकार के होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद को समझने से पूर्व पहले आपको घात समझना होगा। घात किसे कहते हैं? बहुपद का घात। तो चर के अधिकतम पावर को बहुपद का घात कहते हैं। तो इसमें समझिए, यहां 5x + 3, यहां चर x है, इसका अधिकतम पावर क्या है? 1। तो इसलिए इसका घात है 1। इस 2x² + 5x + 5 में चर x है और x टू दी पावर अधिकतम पावर 2, 1, 5 में अधिकतम पावर 2 है, इसलिए इस बहुपद का घात 2 है। और x/2 + 9, यहां x टू दी पावर 1 है, 1 को नहीं लिखा जाता। नमस्कार, आप जानते होंगे एक किसी भी चर का अधिकतम पावर अगर 1 हो तो 1 को नहीं लिखा जाता, लेकिन इनके अलावा 2, 3, 5 अगर रहता तो वह स्पष्ट रूप से पावर में लिखा हुआ रहता है। तो यहां -5/2 x², यहां x टू दी पावर अधिकतम पावर 2 है, इसलिए यह बहुपद का घात 2 है। तो घात के आधार पर ही आपको निर्णय होता है किसका? बहुपद के प्रकार का। नंबर 1, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? अब यहां हम लोग पढ़ते हैं रैखिक बहुपद। जिस बहुपद का घात 1 हो, यानी अधिकतम पावर 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 5x + 3, यहां घात 1 है, इसलिए ये कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। 2y - 3, यहां y^2 अधिकतम पावर 1 है, इसलिए ये इसका घात 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद है। -5/2 x - 5, या अधिकतम पावर यानी घात 1 है, इसलिए ये कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद। अब समझना है द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद का घात 2 हो, घात माने अधिकतम पावर, चर का अधिकतम पावर 2 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद, यहां देखिए 5x² + 6x + 7, यहां अधिकतम पावर घात का 2 है, इसलिए ये क्या है? चूंकि 2 - 1, यहां 0, तो अधिकतम पावर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता होगा 2 है, इसलिए ये कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद। यहां y(6y²-8y-8), यहां घात अधिकतम घात 2 है, इसलिए एक कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद। -1/2 x² + 6x - 5/2, अधिकतम पावर यहां आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, चर का अधिकतम पावर 2, इसलिए एक कौन सा बहुपद है?
द्विघात बहुपद। अब हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में समझते हैं। त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद का घात अधिकतम पावर यानी घात तीन हो तो उसको हम क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद। यानी आप लोग देखे घात के आधार पर ही नाम का नामकरण हो रहा, घात एक हो तो रेखिक, घात दो हो तो द्विघाती, घात तीन हो तो त्रिघाती। आप देखिए यहाँ 5x³ + 6x²-7x+8 यहाँ अधिकतम पावर तीन है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, त्रिघाती बहुपद। इस समीकरण में भी देख रहे होंगे आप लोग अधिकतम पावर तीन है, इसलिए कौन सा बहुपद है। अब आप लोगों को एक चीज समझना आवश्यक है कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या अंतर है। यह द्विघात बहुपद है, यह द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात बहुपद के आगे बराबर के उस सेट जीरो हो जाए तो वह द्विघात समीकरण बन जाता है। जैसे 3x²-5x+2 देन इसको हम कह सकते हैं बराबर जीरो, तो ये द्विघात समीकरण है। ये द्विघात बहुपद तो है ही लेकिन बराबर के उस सेट जीरो है तो ये क्या है, द्विघात समीकरण। जैसे -1/2x²-6x+5 = 0 ये भी द्विघात समीकरण। तो द्विघात बहुपद में सिर्फ ये अंतर है, बराबर के उस सेट कुछ भी नहीं लिखा जाता लेकिन बहुपद समीकरण में बराबर के उस सेट जीरो होता है, जिसको हम इधर उधर बराबर के सेट माइनस प्लस करके हम ला सकते हैं और उस सेट कर सकते हैं। तो आज इसी द्विघात समीकरण के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो ये द्विघात समीकरण अब आप लोगों को जैसा स्पष्ट हो गया होगा द्विघात समीकरण कहते किसे हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4.1। जी हाँ 4.1। धन्यवाद।